इस देश में महिलाओं के पहनावे पर आपने कई बयान सुने होंगे। कई लोगों के बयानों को विकृत मानसिकता मानकर सिरे से खारिज किया गया, तो इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब हमने रूढ़िवादी सोच को नकारने में देर नहीं की, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने भी एक सवाल उठा दिया और मांग कर दी है बुरके पर प्रतिबंध लगाने की, लेकिन इस पर लगातार सियासत हो रही है। एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए। अभी अजान के बयान पर विवाद थमा नहीं था कि यूपी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बुर्के पर बैन करने की मांग उठा दी। मंत्री जी ने तर्क दिया कि जब मुस्लिम देशों में बुर्का बैन है तो भारत में भी मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से आजादी मिलनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से तीन तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। बात बुर्के के प्रतिबंध की थी तो मौलानाओं ने भी मोर्चा खोलने में देर नहीं की। किसी ने इस बयान की मजम्मत की तो किसी ने इसे शरीयत से जोड़कर मामले में दखल देने से मना कर दिया। बीजेपी के ही उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो औरतों के जीन्स पहनने की मुखालिफत करते हैं, औरतों को पूरा लिबास पहनने की हिदायत करते हैं, और वही बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो पर्दे की मुखालिफत करते हैं, बुर्के की मुखालिफत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि औरतों को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। तो एक ही पार्टी के दो लोगों में जो विरोधाभास नज़र आ रहा है, ये आपको इस बात के लिए दर्शाता है कि ये मजहब की राजनीति के तहत ये काम किया जा रहा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को मेन मुद्दों से डाइवर्ट करना है। जहाँ तक पर्दे का सवाल है तो वो हमारे यहाँ मजहबी शरीयत का एक हिस्सा है, उस पर किसी को एतराज़ करने का कोई भी हक हासिल नहीं है। लिहाजा हमारी सबसे यही अपील है कि अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए बाकी तमाम मजाहिब का की पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें, और यही हमारे मुल्क की शानदार रवायत रही है और इसी पर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं के पहनावे पर जब सवाल उठे तो सियासी दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने मंत्री को लताड़ा और संवैधानिक पद के सम्मान की नसीहत दे दी, तो समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि ये बयान सिर्फ मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। इस तरह के बयान देना मैं मानती हूँ कि अमर्यादित है, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। इस तरह के बयान आने से बेहतर होता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर अगर मंत्री जी बोलते। जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो, पुलिस का इनकाउंटर हो रहा हो, पुलिस की हत्या अपराधी कर रहे हो, सोचिए उसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मंत्री जाति धर्म की बात कर रहे हैं। मतलब समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म के मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं। सोचिए आप, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार और किसी मंत्री के लिए नहीं हो सकती कि समाज के असली मुद्दों पर चर्चा न करके वो जाति धर्म के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश में महिलाओं के पहनावे पर सवाल पहली बार खड़े नहीं हुए। कभी फैशन की पैरवी की जाती है तो कभी शरीयत की दुहाई दी जाती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हमें इस पर सवाल उठाने चाहिए? क्योंकि मौलानाओं ने इसे शरीयत से जोड़ा तो मंत्री ने कहा कि इससे आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन महिलाएं क्या चाहती हैं इस पर सब मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।